इन दिनों स्पेस एजेंसीज के बीच मंगल ग्रह पर पहुंचने की एक होड़ लगी हुई है। चाइना और यूनाइटेड अरब अमीरात की अंतरिक्ष एजेंसियों ने मंगल ग्रह पर हाल ही में अपने मिशन भेजे हैं, तो ऐसे में नासा कहाँ पीछे रहने वाला था। इन दोनों के बाद नासा ने भी अपना नवा मंगल मिशन लॉन्च किया। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं क्या है नासा के इस मिशन की खास बात, इसमें क्या उपकरण लगे हुए हैं और यह मंगल ग्रह पर क्या जानकारियां इकट्ठा करेगा। 30 मई 1971 को मारिनर 9 नासा का मंगल ग्रह के लिए किया गया पहला मिशन था। यह पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी जो मार्स के ऑर्बिट में सबसे पहले पहुंची थी। इतिहास के पन्नों में यह दिन हमेशा के लिए छप गया, क्योंकि इस दिन पृथ्वी का कोई स्पेसक्राफ्ट दूसरे ग्रह की सतह पर पहली बार उतरा था। नासा अब तक मंगल ग्रह पर कुल 8 सफल मिशन कर चुका है। इस साल नासा ने मार्स ग्रह पर अपना लेटेस्ट मार्स मिशन 2020 30 जुलाई को सुबह 7:50 पर लॉन्च किया। लॉन्च के कुछ समय बाद ही स्पेसक्राफ्ट रॉकेट से अलग हो गया और अंतरिक्ष में 2,46,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से मार्स की तरफ बढ़ने लगा। लगभग 486 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय कर यह 7 महीनों में मार्स तक पहुंचेगा। यह मंगल ग्रह के जजेरो क्रेटर पर लैंड करेगा और इसे सफल तरीके से सतह पर उतारने के लिए इंजीनियरों को स्पेसक्राफ्ट का फ्लाइट पाथ, इसकी स्पीड और दिशा को सही बनाए रखना होगा, क्योंकि ऐसे मिशन में 1% भी गलती की गुंजाइश नहीं की जा सकती। नासा के इस मिशन का नाम मार्स 2020 रखा गया है, जिसमें परसेवरेंस नाम का रोवर लगा है। मंगल ग्रह पर किए गए पिछले मिशनों से यह साफ हो चुका है कि यहाँ प्राचीन काल में पानी मौजूद था, जो अब जमीन के नीचे चला गया है। मंगल ग्रह पर ऐसे निशान मिले हैं जो सिर्फ पानी के बहाव द्वारा ही बन सकते हैं। प्राकृतिक रूप से ऐसे निशान बन सकते हैं, लेकिन प्रकृति इतनी ज़्यादा संख्या में ऐसे निशान नहीं बनाती। पानी की मौजूदगी को देखते हुए वैज्ञानिकों को यह लगता है कि प्राचीन समय में शायद मंगल ग्रह पर भी जीवन मौजूद होगा। यहाँ पर प्राचीन काल में मौजूद जीवन के साक्ष्य, मिट्टी और पत्थरों के सैंपल इकट्ठा कर यह रोवर वापस धरती पर लौट आएगा। 7 महीने की लंबी दूरी तय कर यह 18 जनवरी 2021 को मंगल ग्रह की सतह पर उतरेगा और मंगल ग्रह के एक साल यानी कि धरती के 687 दिनों तक यह रोवर मंगल ग्रह पर अपनी जांच पड़ताल करता रहेगा। यह रोवर कार के आकार का बनाया गया है, जिसमें अत्याधुनिक 25 कैमरे, लेजर, ड्रिल मशीन और माइक्रोफोन लगाया गया है। रोवर में माइक्रोफोन लगाकर भेजने वाली नासा दुनिया की पहली ऐसी स्पेस एजेंसी बन गई है जो मंगल ग्रह पर हो रही हलचल को धरती पर सुन पाएगी। तो आइए विस्तार में जानते हैं नासा के इस रोवर के बारे में। इस रोवर का कुल वजन 1000 किलोग्राम है, जिसमें इंटरनल हीटर लगे हुए हैं जो जरूरत पड़ने पर रोवर को अंदर से गर्म रखते हैं। इसके सर यानी ऊपरी भाग में लगे हुए अत्याधुनिक कैमरे इसे इंसानों की तरह मंगल ग्रह की जमीन को देखने में मदद करेंगे। रोवर में रोबोटिक आर्म लगे हुए हैं, जिन्हें चारों दिशाओं में घुमाया जा सकता है, जिससे यह मंगल ग्रह की मिट्टी और पत्थरों की जांच करेगा। साथ ही पहली बार किसी अंतरिक्ष एजेंसी ने रोवर के साथ अंतरिक्ष में ड्रोन हेलीकॉप्टर भी भेजा है, जिसका वजन मात्र 2 किलोग्राम है। इस ड्रोन हेलीकॉप्टर की लीड इंजीनियर मिमी आंग ने बताया, ड्रोन हेलीकॉप्टर की मंगल पर यह उड़ान काफ़ी ज़्यादा रोमांचकारी होने वाली है, क्योंकि यह दूसरे ग्रह पर इंसानों द्वारा बनाए गए हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान होगी। इस हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए 1 महीने का वक्त मिलेगा। अगर यह ड्रोन उड़ान भरने में सफल रहा तो भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों और रोबोट्स को हेलीकॉप्टर के जरिए ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा। जहां एक तरफ रोवर जमीन पर चलकर मंगल ग्रह की सतह को खंगालेगा, वहीं ड्रोन हवा में उड़कर यहां के वातावरण और जमीन की जांच करेगा। इसके साथ ही इस मिशन से यह भी पता चलेगा कि मंगल ग्रह के वातावरण में कितनी मात्रा में ऑक्सीजन उत्पन्न हो रही है। मंगल ग्रह के वातावरण में 95% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है,
रोवर का काम है कि वातावरण से ऑक्सीजन को किस तरह उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जा सके, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर इंसानों के लिए इस ग्रह का इस्तेमाल किया जा सके। जैसा कि आप सभी को पता है, भविष्य में अगर धरती पर किसी तरह का संकट उत्पन्न होता है तो वैज्ञानिक इसके लिए मंगल ग्रह पर इंसानों के लिए कॉलोनी बसाने की सोच रहे हैं। 2021 में रोवर के मंगल ग्रह पर उतर जाने के बाद यह पता चलेगा कि नासा का यह मिशन कितना सफल होता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, नासा की मंगल ग्रह के सतह पर हेलीकॉप्टर उड़ाने की यह कोशिश सफल हो पाएगी या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके साथ ही साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।